एंग्री मी। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, पर हाँ जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। तो दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है और फिल्म का फर्स्ट लुक लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने। आपको बता दें दोस्तों, ये फिल्म रिलीज होगी 2020 की ईद पे। दोस्तों, अक्षय कुमार ने इससे पहले भी कई फिल्मों में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है और ज़्यादातर उनके पुलिस किरदार निभाने वाली फिल्में लोगों को पसंद आई है और वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सक्सेस भी रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उन 5 फिल्मों के बारे में जिसमें अक्षय कुमार ने पुलिस वालों को किरदार निभाया था और उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे बात करें तो पहले नंबर पर है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जो कि फिल्म रिलीज हुई थी 1994 में और इस फिल्म में अक्षय कुमार सर के साथ नज़र आए थे सैफ अली खान और उनके साथ में थे फिल्म में शिल्पा शेट्टी। अगर दोस्तों बात करें हम मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के बजट के बारे में तो इस फिल्म का बजट था लगभग 3,25,00,000 रुपये। वही अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 7,88,00,000 रुपये का कारोबार किया था। वही वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का कलेक्शन था लगभग 13,84,00,000 रुपए। आपको बता दें दोस्तों, ये फिल्म 1994 में एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित रही थी। वही दोस्तों बात करें नंबर 2 की तो नंबर 2 पर है खाकी, जो कि रिलीज हुई थी 2004 में और इस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के साथ नजर आए थे अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और तुषार कपूर और इस फिल्म में हीरोइन थी ऐश्वर्या राय। अगर दोस्तों बात करें हम खाकी के बजट के बारे में तो खाकी फिल्म का बजट था लगभग 26,00,000 रुपए। वही इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 25,79,00,000 रुपए का कारोबार किया था और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का कलेक्शन था लगभग 45,39,00,000 रुपए। आपको बता दें दोस्तों, ये फिल्म 2004 में एक एवरेज फिल्म साबित रही थी। दोस्तों बात करें नंबर 3 की तो नंबर 3 पर है मोहरा फिल्म, जो कि रिलीज हुई थी 1994 में और इस फिल्म में नजर आए थे अक्षय कुमार सर के साथ उनके सबसे पुराने जोड़ीदार सुनील शेट्टी। अगर बात करें हम दोस्तों मोहरा फिल्म के बजट के बारे में तो इस फिल्म का बजट था लगभग 3,75,00,000 रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी लगभग 12,00,00,000 रुपए। वही अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था लगभग 22,64,00,000 रुपए। आपको बता दें दोस्तों, ये फिल्म 1994 में उस साल की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल थी। वही दोस्तों बात करें नंबर 4 की तो नंबर 4 पर है खिलाड़ी 786, जो कि आई थी 2012 में और इस फिल्म में उनके साथ नजर आई थी आसिन और साथ ही साथ फिल्म में थे हिमेश रेशमिया और इस फिल्म में हिमेश रेशमिया ने एक्टिंग भी की थी और साथ ही साथ अपना म्यूजिक भी दिया था और इस फिल्म की कहानी भी हिमेश रेशमिया ने ही लिखी थी। दोस्तों इस फिल्म में भी अक्षय कुमार पुलिस वाले के किरदार में नजर आए थे, हालांकि वो फर्जी पुलिस वाले थे लेकिन पुलिस की वर्दी में इस फिल्म में वो नजर आए थे। अगर दोस्तों बात करें खिलाड़ी 786 के बजट की तो खिलाड़ी 786 का बजट था लगभग 63,00,000 रुपए। वही अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 64,54,00,000 रुपए का कारोबार किया था। वही वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का कलेक्शन था लगभग 97,00,000 यानी 97,00,000। आपको बता दें दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित रही थी। वही दोस्तों बात करें नंबर 1 की तो नंबर 1 पर है अक्षय कुमार की सबसे बड़ी हिट जिसमें वो पुलिस वाले के किरदार में आए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2012 की आई फिल्म रावड़ी राठौड़ की, जिसे डायरेक्ट किया था प्रभु देवा ने और इस फिल्म में अक्षय कुमार सर के साथ नजर आई थी सोनाक्षी सिन्हा। अगर दोस्तों बात करें रावड़ी राठौड़ के बजट के बारे में तो रावड़ी राठौड़ का बजट था लगभग 77,00,000 यानी 77,00,000 रुपये। वही अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 133,00,000 का कारोबार किया था और वही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 198,00,000 का कारोबार किया था। आपको बता दें दोस्तों, रावड़ी राठौड़ 2012 में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म रही थी। तो दोस्तों ये थी अक्षय कुमार के करियर की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में जिनमें उन्होंने पुलिस वाले का किरदार निभाया था। अब दोस्तों इसमें से आपको सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी लगी थी आप कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आप अक्षय कुमार जिस फिल्म में पुलिस वाले बन के आ रहे हैं यानी कि सूर्यवंशी, वो फिल्म ऑफिस पर कितनी कमाई कर पाएगी, 200 करोड़, 250 करोड़ या 300 करोड़। अपनी राय कमेंट करना ना भूले और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की ऐसी ही नई खबरों के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।